Welcome students to the next class of magnetic effects of current. In today's class, we will study the force between parallel current carrying wires. So let's begin with it. You can ask your doubts and all queries at my WhatsApp number 6260-320-543. तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की. फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. इसमें दो केस होते हैं. केस वन, व्हेन बोथ द वायर्स कैरीज द करंट. इन सेम डायरेक्शन. Now consider two infinite straight current carrying wire . This is first wire carries a current I1, let it carry the current I1. Second wire, let it carry the current I2. Separation between the wires is R. Now we have to calculate the force between these two parallel current carrying wires. अब देखिए इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है. तो both the wires will produce their magnetic fields on each other. ये पहली बात हो गई. दोनों वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर प्रोड्यूस करेंगे. ड्यू टू दीज मैग्नेटिक फील्ड्स wires will experience a magnetic force. क्योंकि खुद जो magnetic field produce करता है उसके कारण तो force नहीं लगेगा. किसी भी current carrying wire पे magnetic force तभी act करता है when it is placed in external magnetic field. इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि first wire के magnetic field second wire पे act करेगी और second wire की magnetic field first wire पे act करेगी. वायर्स विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स. तो चलिए सबसे पहले हमने सपोज तो कर ही लिया था लेट वायर्स कैरीज द करंट. I1 एंड I2 एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स. अब देखिए फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है जो सेकंड वायर पे एक्ट करेगी. तो फर्स्ट वायर में आप राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करिए. फर्स्ट वायर के में आप अब रूल कैसे अप्लाई करना है देखिए. कीप द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ I1. ओके, keep the thumb of right hand in the direction of I1 and keep the fingers of right hand to on the second wire. What you find? Palm is visible.
or not visible? You can chat with me. फिर से बता रहा हूँ, राइट हैंड के थंब को आई वन के डायरेक्शन में रखिए और राइट हैंड के फिंगर्स को सेकंड वायर पे रखिए। तो आपको क्या पता चलेगा कि फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर पे एक्ट करती है और वो किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? क्रॉस। अब हम सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट वायर पे एक्ट करती है उसे निकालेंगे। Now what we have to do? Keep the thumb of right hand. Keep the thumb of right hand in the direction of I2. Right hand के thumb को copy में आपने बना लिया होगा इस figure को। Right hand के thumb को I2 की direction में रखिए और right hand की finger को I1 की तरफ ले जाइए। I1 की तरफ ले जाइए। क्योंकि हमें सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर पे निकालनी है। तो फिर से कीप द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ आई टू एंड कीप द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एट आई वन। रखा आपने तो आई वन, पाम इज विजिबल और नॉट बताइए? पाम इज विजिबल। सो बी टू विल हैव व्हाट डायरेक्शन? डॉट। बी टू विल हैव व्हाट डायरेक्शन? डॉट। यस, पाम विजिबल है। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। तो देखिए ये बात इंपॉर्टेंट वायर है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, नंबर वन। नंबर टू, दे कैरीज द करंट इन सेम डायरेक्शन। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दैम। तो थ्योरी बहुत सिंपल है। बोथ द वायर्स विल प्रोड्यूस देयर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन ईच अदर। ड्यू टू दीज मैग्नेटिक फील्ड्स वायर्स विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो पहली स्टेप में हमने I1 की मैग्नेटिक फील्ड I2 पे एक्ट करती है, किस डायरेक्शन में एक्ट करती है हमें पता चला। I1 की मैग्नेटिक फील्ड B1 है और वो I2 पर क्रॉस डायरेक्शन में एक्ट करती है। क्रॉस का मतलब है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। सिमिलरली अब हमने फाइंड आउट किया कि I2 की मैग्नेटिक फील्ड, I2 की मैग्नेटिक फील्ड किस पे एक्ट करती है? I1 पे एक्ट करती है। लेट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B2 और इसका डायरेक्शन क्या है? डॉट। डॉट मींस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। तो इज इट क्लियर टू यू? अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए I1 will experience, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि I1 will experience magnetic force due to B2, due to magnetic field produced by second wire. In other words, I want to say that the first wire will experience a magnetic force due to the magnetic field produced by second wire. तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं। First wire will experience the magnetic force, ये important derivation है, magnetic force due to the magnetic field produced by second wire, okay, and second wire will experience the magnetic force, due to the magnetic field produced by first wire.
ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, हम जानते हैं व्हेन एवर अ करंट कैरिंग वायर इज कैप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्ड जब हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग है द मैग्नेटिक फील्ड नॉट प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, उसने नहीं प्रोड्यूस करी है मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को आप याद रखिए और आज क्लास के बाद इसको रिवाइज करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके बाद एम्पियर्स लॉ और बचे हुए डेरिवेशंस करने वाले हैं विद इन फोर क्लासेस, फोर और फाइव इट विल बी ओवर। देन वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट्स। When your course is completed, then we'll do the revision of questions. दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी तो लेंगे। EMI, AC, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स एंड एटम एंड फोटोन, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। न्यूक्लियस में भी काफी पोर्शन, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ सब सिलेबस में कट हो चुका है एंड दैट विल आल्सो नॉट कम इन योर कंपटीशन। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए सेकंड वायर की जो मैग्नेटिक ये B1 इस पर एक्ट करता है और सेकंड वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट पे एक्ट कर दी है। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट वायर पे। नाउ विल अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन फर्स्ट वायर। Do you remember the Fleming's left hand rule which I explained you in the previous class? Keep these three fingers of left hand in this way. Okay. ठीक है धार्मिक, याद है ये thumb क्या बताता है? Left hand. Thumb क्या बताता है? Force. Okay. और four finger क्या बताती है? This finger. Gives B magnetic field force, thumb force, four finger gives the direction of magnetic field and the middle finger ऐसे रखना है, middle finger gives the direction of current। तो मैंने आपको मेमोरी के लिए बताया भी था प्रीवियस क्लास में FBI, force magnetic field current, force magnetic field current। ओके अब हम फर्स्ट वायर पे फोर्स निकालेंगे तो आप क्या करिए, जो आपकी फोर फिंगर है उसको, जो मिडिल फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में रखिए लाइक दिस। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर क्या आनी चाहिए? बाहर आनी चाहिए और करंट ऊपर जा रही है like this. Are you able to do this? FBI current को ऐसे रखना पड़ेगा। जब तक आप direction नहीं निकालेंगे, Saloni, are you able to do this? FBI. Okay. थोड़ा चैट करिए, बताइए। ओके बहुत अच्छी बात है। तो एफ बी आई करंट के डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर को रखा और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है वो आपकी तरफ आनी चाहिए ऐसे। तो आप देखिए, आप बताइए फोर्स कहाँ लगेगा। आई विल टेल यू वेयर यू विल एक्सपीरियंस द फोर्स। Are you able to do so? आप इसे कर पा रहे हैं?
ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं. अगेन आर यू एबल टू डू. अब सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन निकालते हैं. फिर से फ्लेमिंग्स सॉरी लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस है. तो आपका जो पेपर है उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर अंदर की तरफ जानी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए और करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है. फिर थंब देखिए, ऐसे रखिए. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ आएगा? ऐसे आएगा. F2 means फोर्स ऑन सेकंड. ओके, करके देखिए. पहले आपको करना है. वी कैन वेट हियर, टाइम इज नो इश्यू, बट वी शुड लर्न, क्योंकि हमें खुद करना सीखना पड़ेगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेकंड वायर पे अप्लाई करिए. सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब नॉर्मल एंड इनवर्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फिंगर है वो अंदर की तरफ जानी चाहिए और करंट की फिंगर ऊपर की तरफ जानी चाहिए. तब आप देखिए, तो आपको थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन. आपने किया ऐसे? आर यू डन विथ दिस? प्लीज चैट विद मी. आपने इसे किया? नो आंसर इज कमिंग फ्रॉम योर साइड. यू कैन स्पीक. मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. कर पा रहे? ओके, आप बोल सकते हैं. धारी, आर यू एबल टू डू लेफ्ट हैंड रूल? आपने लगाया, ठीक है. तो अब इसको आप नोट कर लीजिए. फिर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं और इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर सेकंड केस करेंगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस. द क्वेश्चन प्रैक्टिस विल बी ऑफ टू लेवल्स. पहले आपके सैंपल पेपर्स करेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करेंगे वन बाय वन. ओके, तो क्या आपने इसे लिख लिया है? F1 means force on first wire, F2 means force on second wire. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो आप अब हम एक स्टेटमेंट जनरेट करेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. When both the wires carries the current in same direction, they will attract each other. They will attract each other. ये तो पहला पॉइंट हो गया. अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर F1 इक्वल टू I1, पर इस पर फोर्स लग रहा है सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण. लेट L इज द लेंथ ऑफ दिस वायर एंड B2 और L के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. सो F1 इज I1, B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वायर. तो आप देखिए, पिछली स्लाइड में जाते हैं. सेकंड वायर अपने से R डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इनफाइनाइट वायर है. 2 I2 अपॉन R, साइन 90 इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो L एंड साइन 90 इज 1. सो F1 विल बी mu 0 upon 4 pi. This is the simple derivation. 2 I1 I2 L upon R.
अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड वायर एफ टू आई टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी वन एल साइन 90. 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन बी वन एंड एल. L is the length on which we are calculating the force. So, first wire ki magnetic field mu 0 upon 4 pi 2i1 upon r into L sin 90 is 1. So, we will get F2 as mu 0 upon 4 pi 2i1 i2 L upon R. We come to know that F1 is equal to F2. तो आप इसको नोट कर लीजिए. Sorry. So, are you done with this? So they apply equal force on each other. ये दोनों वायर एक दूसरे को पर हम equal force apply करेंगे. They will apply equal force on each other. Okay. F1 equal to F2. Okay. तो अब हम कर रहे हैं सेकंड केस. टू आई वन आई टू एल अपॉन आर. नाउ वी विल डू सेकंड केस, केस टू. व्हेन बोथ द वायर्स carries the current in opposite direction. सब देखते हैं क्या होता है. I1. Let first wire carries the current I1. Let second wire carries the current I2 and let separation between the wires is R. अब देखिए first wire की magnetic field second wire पे act करेगी, same principle. And first wire, the magnetic field produced by the first wire will act on second wire. Due to this magnetic field, second wire will experience the force. Okay, and similarly the magnetic field produced by the second wire will act on first. Magnetic field produced by the second wire will act on first. So the first wire will experience the force due to this magnetic field produced by the second wire. So let us find the direction of magnetic field produced by first wire on the second wire. तो उसके लिए हमें right hand palm rule apply करना पड़ेगा. Do one thing, keep the thumb of right hand in the direction of I1. Keep the thumb of right hand in the direction of I1 and keep the fingers of right hand on the second wire. On the second wire, if you have drawn the figure, keep the
thumb of right hand in the direction of I1 and fingers of right hand on the second wire and see the direction. In which direction, what direction do you find? Yes, inward. Bilkul. Palm is not visible, so it is cross. That's good. Great. Ab aap seekh gaye. अब हम सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर पर किस डायरेक्शन में एक्ट करती है उसे निकालेंगे. नाउ कीप द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ I2. कीप द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ I2. कीप द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ I2 एंड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन I1. And fingers of right hand on I1. Palm is visible? No, palm is not visible. Mere saath karte jaiye. Palm is not visible. So B2 will have what direction on I1? Cross, normal and inward. Ye to hamara pehla step ho gaya. Ab hum Fleming's left hand rule ko apply karenge. First wire. Now we will apply Fleming's left hand rule on first wire. F, B. B to andar ki taraf hai. Ye jo four finger hai, ye magnetic field batati hai, aap ise invert rakhiye. Aur I1 ki direction mein middle finger ko rakhiye. I1 ki direction mein middle finger ko rakhiye. Yes, do it. I1 ki direction mein middle finger ko rakhiye. Bataiye force kahan lagta hai, left mein lagta hai ki right mein lagta hai. Karke bataiye. डू योर सेल्फ. आपको खुद करना होगा. पहले मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को क्रॉस में रखिए अंदर और I1 के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखिए और देखिए कि थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, किस डायरेक्शन में रहता है. करिए, डू इट और मुझे बताइए. क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे इसे तो हम कैसे करेंगे, बताइए आप. वेटिंग फॉर योर आंसर. यू आर एबल टू डू इट और नॉट? यस, नो, टेल मी. लेफ्ट, यस, यू आर राइट. ये देखिए, बिल्कुल सही. ये आपको सीखना पड़ेगा. जब तक आप इसे सीखेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेकंड वायर पे अप्लाई करेंगे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेकंड वायर पे अप्लाई करेंगे. सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है B1. तो B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को क्रॉस में रखिए कॉपी में और I2 की डायरेक्शन में करंट को रखिए. ये करंट फिंगर है, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ I2 और I2 नीचे की ओर है. तो ये देखिए ऐसे करिए, नीचे की ओर रखिए. ये आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ. अप्लाई करिए करंट की फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर और थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू B1 ऑन I2. डू इट, टेल मी. सलोनी, आर यू एबल टू डू इट? प्लीज चैट. लेफ्ट में नहीं आएगा फोर्स. B1 क्रॉस अंदर, करंट की फिंगर नीचे की तरफ जानी चाहिए I2. फिर थंब देखिए आप, अप्लाई. जब आप अप्लाई करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे. अप्लाई करिए राइट. सलोनी, यू आर नॉट गिविंग एनी आंसर. योर आंसर मे बी राइट मे बी रॉन्ग बट ऑलवेज गिव द आंसर.
आंसर दीजिए। ओहो हो, ठीक है। मैं इसी वक्त क्लास के बाद आज अपलोड कर दूंगा वीडियो, मैग्नेटिज्म के पेज पे जाके आप उसे देख लीजिएगा। आई डू अंडरस्टैंड ये नेट इज अ बिग इश्यू, दैट इज राइट। अब F1 को हम निकालेंगे, I1, अब हम विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1। I1 मैग्नेटिक फील्ड, B2 लेंथ L, B2 और L के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। सो F1 विल बी I1, B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, 2I2 अपॉन आर एल, साइन 90 इज 1। सो F1 इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 2I1 I2 एल अपॉन आर। आप लोगों को मैं ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ ऐप दे दूंगा, तो आप उस ऐप को आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब लैपटॉप पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। आई विल मेक अरेंजमेंट बाय टुमारो। तो ये तो हमारा F1 आ गया। अब हम F2 निकालेंगे। F2 मैग फोर्स ऑन सेकंड वायर, तो करंट ऑन सेकंड वायर इज I2, पर ये फोर्स B1 के कारण लगता है, इसलिए B1। लेंथ, किस लेंथ पे हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं L, B1 और L के बीच में एंगल 90 डिग्री। देख लीजिए B1 क्रॉस से अंदर की तरफ है, वायर से की लेंथ से कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। F2 I2, अब B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट वायर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये हो गया बच्चों 2I1 बाय R, साइन L और साइन 90 की वैल्यू 1। तो F2 भी आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 2I1 I2 L अपॉन R। सो वी कम टू नो दैट F1 इक्वल टू F2। और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। When two wires carries the current in opposite direction, they repel each other. They repel each other, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ओके, तो आपने इसे लिख लिया।
तो अट्रैक्ट कब करेंगे? व्हेन दे कैरी द करंट इन सेम डायरेक्शन. रिपल कब करेंगे? व्हेन दे कैरी द करंट इन, व्हेन दे कैरी द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर. यह आपने लिख लिया. देखिए, अब फोर्स बिटवीन द वायर्स हमें मालूम चल गया, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू एल अपॉन आर. इफ आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू वन एम्पियर सपोज करिए, एंड लेंथ इज वन मीटर, सेपरेशन बिटवीन द वायर इज वन मीटर, देन फोर्स बिटवीन द वायर विल बी mu zero upon 4 pi into 2 into 1 into 1 into 1 upon 1. So 2 into mu zero upon 4 pi. So force will be 2 into 10 to the power minus 7 newton. So isi ke basis par definition of ampere aayi hai. Usko aap samjhiye. वन एम्पियर करंट इज दैट एक मिनट विल राइट इट इन वन एम्पियर करंट is that steady current इसको अच्छे से लिखिएगा which when flowing in each of two infinitely long straight parallel conductors. You can use the wire also. 1 meter apart in vacuum produces between them a force of exactly 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter of length. Per meter of length. तो इतना डिटेल में ये लिखना जरूरी है. So that is the definition of 1 ampere current. तो 1 ampere current की जो definition होती है वो यहीं से आती है. तो आप फोर्स बिटवीन द वायर्स तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू एंड एल अपॉन आर. एल अपॉन आर आप इसको नोट कर लीजिए.
But this formula is only applicable when wire carries the current in same direction or in opposite direction. It is the form, and they must be parallel wires. They must be parallel wires. Then only this formula is applicable. इस बात को आपको ध्यान रखना है. Formula तभी applicable है when the wires are parallel. Okay, so that is the definition of 1 ampere. That is the definition of 1 ampere current. तो ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. और दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सीबीएसई एज वेल एज इट अपीयर्ड इन द जेई मेंस. द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन appeared in JEE examination also. So let's do that question. A long horizontal wire P carries a current of 50 ampere. It is rigidly fixed. Another fine wire. Another fine wire Q is placed directly above and parallel to P. The weight of wire Q is 0.075 Newton because the unit of weight is Newton meter, and it carries a current of 25 ampere. Find the position of wire Q from the wire P, so that Q remains suspended, due to the
मैग्नेटिक रिपल्शन ऑल्सो इंडिकेट the direction of current in Q with respect to ऐसी लैंग्वेज होती है एग्जामिनेशन में भी. ये मैं आपको बता देता हूँ, ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ आपको. This is wire Q. This is wire Q. P fixed है और इसमें 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और ये एक दूसरे के पैरेलल है एंड एट ए डिस्टेंस R. तो देखिए ये एक लैंग्वेज है. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि Q remains suspended in air. इसका क्या मतलब है? Q remains suspended in the air. What is the meaning of this? इसका मतलब Q does not fall. Q does not fall. It is in equilibrium. Suspended in air. It does not move. ऐसा तभी हो सकता है जब भी हम किसी बॉडी को एयर में ड्रॉप कर देते हैं तो what happen? It comes downward. When body can be remain suspended in air, in the language of physics we say that when there must be some force which cancels the weight. जो वेट के इक्वल हो और अपोजिट हो, वेट को बैलेंस कर ले. ऐसा कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जो वेट को बैलेंस कर ले, वेट के इक्वल हो और वेट को बैलेंस करे. तो जब नेट फोर्स जीरो होता है किसी बॉडी पे तो बॉडी मूव नहीं करती. That is the definition of force in Newton's first law of motion. तो इसको आप नोट कर लीजिए. तो अगली स्लाइड में हम इसको सॉल्व करेंगे. तो if you are done with it, then please tell me. This is a very famous question. Such type of questions are very common in the examination because they clearly attack the basic concepts. So, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Okay. तो देखिए अब इस क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे जाते हैं. ये हमारा वायर क्यू है और ये है पी फिक्स वायर. ये इसका वेट है, वेट होता है एमजी बाय एल. दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर. तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए जो वेट को बैलेंस करे. लोअर वायर में पी में करंट फ्लो हो रही है 50 एम्पियर, तो मतलब लोअर वायर को अपर वायर को रिपल करना चाहिए. तो रिपल तभी कर सकता है भाई जब करंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में. लेट करंट इज आई टू, लेट दिस इज आई वन. So the force will be mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 L upon R. We don't know the R, but length is must be equal to weight, that is mg. So mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 upon R will be mg by L.
and that is given as 0.075. This is 10 to the power minus 7 to I1, that is 50. I2, we do not know. Separation. Separation bhi hame nahi malum hai. अच्छा दूसरा ये हमें आई एम सॉरी आई हैव टू मूव बैक. तो एक और चीज हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी. गिवन थी करंट ऑफ, थोड़ा आप चेक कर लीजिए, करंट ऑफ 25 एम्पियर इज फ्लोइंग. हाँ ये तो दिया ही हुआ है, दिया हुआ है यहाँ, हमने लिखा है 25 एम्पियर का करंट. ये देखिए यहां लिखा हुआ है 25 एम्पियर, वी आर गिवन द करंट. ओके आई थॉट द करंट वाज नॉट गिवन, वी आर गिवन द करंट दैट इज 25 एम्पियर. सो वी कैन हियर राइट 25 एम्पियर. अब हम अगली स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं. आप इतना नोट कर लीजिए. When you are done with it, please tell me. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 0.075/100. ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 25 बाय आर 0.075. सो देखिए 10 टू द पावर माइनस 7 दिस इज 100, 25 डिवाइडेड बाय आर दिस इज 75 अपॉन 1000. इट विल कैंसिल बाय हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 2 और ये जो 3 इधर से आएगा अपॉन आर इक्वल टू 3. सो आर विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इंटू सेंटीमीटर तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर. सो आर इज 1/3 सेंटीमीटर. And you can, if you multiply with 10, then you will get the answer in millimeter. So any of the way you can get the answer. इस तरह से हम आंसर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. यूजर अपॉन 4π2 I1 I2 L/R. बस इतना ध्यान रखना है कि व्हेन दे कैरी द करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट, व्हेन दे कैरी द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल.
तो आर यू डन विद दिस? तो इस तरह से हमने इसे, आपने इसे कर लिया, लिख लिया. ओके. अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप थोड़ा सॉल्व करके देखिए. ये देखिए, थ्री वायर्स है. दिस इज ए वायर, ए दिस इज वायर सी, दिस इज वायर बी. ट्वेंटी सेंटीमीटर इज द सेपरेशन. ए कैरीज करंट 10 एम्पियर, बी कैरीज द करंट 20 एम्पियर. And C carries the current 10 ampere. This is 10 centimeter. This is 10 centimeter. I give you this question. Question number one, find the net force on C. अब देखिए, C पर दो फोर्स लगेंगे. C पर दो फोर्स लगेंगे. एक तो A apply करेगा, क्योंकि ए और सी में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. तो ए सी को अट्रैक्ट करेगा, एफ ए सी. अब सी पर बी के कारण भी फोर्स लगेगा, बी बी में भी करंट, बी और सी में भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. ध्यान दीजिए, ये देखिए, बी में करंट अपवर्ड फ्लो हो रही है 20 एम्पियर और सी में 10 एम्पियर. तो ये जो बी वायर है, ये भी सी को क्या करेगा, डेफिनेटली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. तो ये लग गया एफ बी सी. फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ए सी निकालना पड़ेगा. फॉर्मूला म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई ए. एफ ए सी कैसे निकालेंगे भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली बट हाउ टू फाइंड एफ ए सी. म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, सीखना बच्चों इसको. अब करंट इन ए, करंट इन सी इंटू लेंथ, और लेंथ भी दी हुई है सबकी, कितनी 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं. लेंथ ऑफ ए अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी. और एफ बी सी कैसे निकालोगे, एक मिनट, एफ बी सी कैसे कैलकुलेट करोगे ये भी देखो जरा. हाउ टू कैलकुलेट एफ बी सी, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई बी आई सी लेंथ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. और यहाँ पे हमने गलती से टू नहीं लिखा था. फिर आपको देखना है विच फोर्स इज ग्रेटर. अगर एफ ए सी ग्रेटर है, इफ एफ ए सी इक्वल टू एफ ए बी बी सी, देन नेट फोर्स इज जीरो. इफ एफ ए सी इज ग्रेटर देन एफ बी सी, तो बच्चों नेट फोर्स कैसे निकालोगे, एफ ए सी में से एफ बी सी को क्या करोगे, माइनस कर दोगे. और अगर इफ एफ बी सी इज ग्रेटर देन, वो तो कैलकुलेट करने पर पता चलेगा, then we will get the net force as FBC minus FAC. तो आप इसको करिएगा जरूर. Solve this question. Such type of question practice is always needed. अब एक बार आपको formula मालूम चल गया और application मालूम चल गई, तो फिर हम बहुत आसानी से इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, solve कर ही सकते हैं. कोई issue नहीं है उसमें. तो आर यू डन विद दिस? तो ये इस तरह से अब हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ओके,
संडे को जो टेस्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के वीडियो मैं रे ऑप्टिक्स में कल अपलोड कर पाऊंगा, कल आपको दे दूंगा। तो गो थ्रू इट, 25 क्वेश्चन का टेस्ट रखेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 30 करेंगे, 30 35 लाइक दैट। सो आई एंड ओवर हियर, टेक केयर।